बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं का बहुत अधिक महत्व है। एक जातक कथा का नंबर है 440। इसका नाम है कर्ण जातक। कर्ण जो बोलते हैं, पाली भाषा में बोलते हैं काला या साम रंग, यानी कि श्याम रंग। मगर इसको अगर संस्कृत भाषा में हम देखेंगे तो कर्ण को बोला जाता है कृष्ण। क्योंकि आधा रे और शे पाली में नहीं होता, इसलिए ये संस्कृत शब्द है जो कर्ण का कृष्ण बनाया गया या कर्णा का कृष्णा बनाया गया। इसको साम बोलते हैं, साम का मतलब श्याम बोलते हैं। शे पाली में नहीं होता, मगर साम और श्याम एक ही मतलब होते हैं। जो काले लोग होते हैं भारत के, उनको साम बोलते हैं, और जो काली महिला होती हैं ये सामा नाम से आती हैं। सामा का जिक्र आगे भी कई कथाओं में आएगा, साम का भी आएगा। जो काले लोगों की वेदनाएं होती हैं, जो शरीर के अंदर उन्हें अनुभूति होती है विपश्यना के समय, और जो उन्होंने देखी और भाली, उसको साम वेदनाएं बोलते हैं, यानी साम वेद या साम वेदनाएं बोलते हैं। ये काले लोगों के लिए वर्ड आता है। ये जितने भी काले लोग हैं, ये अधिकतर अपने सर पे जंगली जानवरों के, क्योंकि ये मोरी रहे हैं तो मोर के पंख लगाते हैं, और ये गायों को चराते हैं, इसलिए गायवंशी या गौवंशी भी होते हैं। और ये भिक्कुओं का, क्योंकि गौ को भिक्कू भी बोलते हैं, गौतम से गौ बना हुआ है, इसलिए भिक्कुओं के आसपास भी रहते हैं। अगर कोई गोविंदा है तो गोविंदा का मतलब है विनंद का मतलब गौ, विनंद का मतलब है, विनंद का मतलब होता है घेरा चारों तरफ। विनंद अगर कोई शब्द लगाता है और गौ का है, यानी भिक्कुओं से घिरा हुआ है, तो वो गौ विंदा हो जाएगा, विंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये जो वृंदावन है, शब्द है, वृंदावन शब्द का मतलब होता है विनंद वन। विनंद मतलब है जो चारों तरफ से घिरा हुआ वन हो, उसको विनंद वन बोलते हैं पाली के अंदर, या बाद में इसको संस्कृत भाषा के अंदर वृंदावन बोला गया। ये सारा का सारी जो जातक कथा है, इसका जो क्षेत्र है वो मथुरा और मथुरा के आसपास का है। आपने पहले जो वीडियो देखी है जिसमें गोवर्धन या गौवर्धन या गौ धम्मवर्धन, यानी गौतम का जो धम्म है उसके बारे में, या जो आपने मथुरा मौथेरा महाथेरा मथेरा जो शब्द आपने देखे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर दिए हुए हैं, या आपने गोरख देखी हो जिसमें गोरखा शब्द है या गोरखा शब्द है, वो सारे के सारे वहीं उसी क्षेत्र के हैं। क्योंकि वहाँ के लोग अपने सर के ऊपर मोर पंखी लगाते थे, और वो बेसिकली मौर्य और जो अहिर हैं वो एक ही फैमिली के लोग हैं, जिनको यदु बोलते हैं, वो दोनों एक ही हैं। बहुत पहले के अगर आप जाएंगे तो पाली के साहित्य में जो मौर्य शब्द है या जो मोर शब्द है और जो यदु शब्द तो मिलता नहीं, अहिर मिलता है, यानी अर्य मिलता है। अहिर का मतलब है जो अरत हो जाते हैं, वो शब्द इसमें मिलता है। ये एक ही फैमिली के दोनों भाई भाई लोग रहे हैं, और उस समय इस क्षेत्र में चारों तरफ में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शिक्षाएँ हासिल की। जो अरत होते हैं वो अहिर बने, वो शिक्षा का उच्चतम लेवल होता है, और मौर्य इसमें सबसे आगे रहे, इसलिए ये दोनों परिवार, दोनों वंशज लगभग लगभग आज की डेट में अलग हों, मगर उस समय ये एक ही फैमिली के लोग हुआ करते थे। कोई घटना रही होगी, वो घटना अगर खोजेंगे तो मिल जाएगी क्या घटना थी क्या नहीं थी। उस समय जो लोग वहाँ सीखते थे और जो सिखाया जाता था, जो काले लोग होते थे, साम लोग होते थे, वो विपश्यना शब्द नहीं था। यहाँ इस क्षेत्र में इसको योग बोलते हैं। योग माने होता है आसक्ति और अटैचमेंट। जैसे कहते हैं कि इसको लगा योग का रोग, आपने गाना सुना होगा लगा योग का रोग। लगा योग का रोग का मतलब है कि इसे आसक्ति का रोग लग गया, अटैचमेंट का लग गया, राग का रोग लग गया, यानी कि इसे कुछ चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे वो किसी स्त्री का प्रेम है, चाहे किसी पुरुष का प्रेम है, चाहे उसे पैसे का प्रेम है, चाहे उसे पढ़ाई लिखाई का और विद्या का प्रेम है, या उसे खेत खलिहान में काम करने का बहुत ज़्यादा राग लग गया है। अगर राग लग गया है तो वो आसक्ति हो गई, वो अटैचमेंट है, और उसको योग बोला जाता है। इस योग से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा क्लासें लगती थी, और आपने बहुत पहले पदों में पढ़ा होगा, क्योंकि हम पढ़ते थे जब 9th और 10th में थे, सूरदास के पद, उसमें कुछ जो वहाँ की महिलाएं थीं जिनको गोपी बोलते थे। गोपी का मतलब है जो वहाँ गाय चराने वाले लोग हैं वो महिलाएं, या जो बौद्ध भिक्कुओं के परिवारों की महिलाएं हैं उनको गोपी बोलते थे। तो गोपी शिकायत करती हैं कि भाई अगर सिखाने वाले चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उनको ऐसा बताया गया कि आप योग कीजिए। योग का मतलब है कि आप विपश्यना कीजिए, और योगक्षेम एक शब्द आता है पाली के अंदर। खेम माने होता है शांति रखना या सेफ्टी रखना या बिल्कुल उसको जीरो करना, जो भी आपको असर है। और योगक्षेम का मतलब है
कि जो आसक्ति हुई है उसको शांत करना, उसको खत्म करना या उससे मुक्ति पाना। ये योगिक खेम का एक शब्द आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ सारे क्षेत्र के अंदर योगिक खेम की जो शिक्षा है, यानी कि राग को घटाने की, शांत करने की शिक्षा चारों तरफ दी जाती थी। ऐसी शिक्षा के कारण ही जो मथुरा था वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी। आपने मथुरा का एक स्तूप देखा होगा, और अगर मथुरा आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक नेशनल म्यूजियम मिलेगा जिसमें जगह 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 बुद्ध की पत्थर की मूर्तियाँ हैं। पत्थर की मूर्तियाँ वहाँ और भी बहुत हैं, अगर वहाँ खुदाई करेंगे तो मिल जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा फर्टाइल था। और वो लोग नागवंशी थे। आपने शेषनाग का नाम सुना होगा कि यमुना के अंदर एक शेषनाग की घटना थी। उस शेषनाग, क्योंकि शेषनाग 12 नागों में राजा रहे हैं, और ये अनंतनाग से फैमिली चली है जो चारों तरफ बिखरी है और चारों तरफ आई है। तो शेषनाग का यहाँ वर्चस्व रहा और यहाँ उन्होंने राज किया, तो इसलिए उनका नाम आता है। तो इससे पता चलता है कि वो काले जो लोग थे वो सारे के सारे नागवंशी लोग थे, जो बुद्ध की विचारधारा या बुद्ध की एजुकेशन से अपने आप को योग सीखा करते थे। और योग का मतलब है कि योग खेम, यानी कि अपने रागों को शांत करने के लिए। और जो भगवान ने जो गीत दिए, यानी गीत को पाली के अंदर गीता बोलते हैं। अगर बहुत सारे गीत हों, एक गीत को बोलेंगे गीतो, और बहुत सारे अगर गीत हों तो उनको बोलेंगे गीता। जैसे एक बुद्ध होता है तो उसको बोलते हैं बुद्धो, और बहुत सारे अगर बुद्ध हों तो उनको बोलते हैं बुद्धा। ऐसी अगर एक गीत है तो उनको गीतो, और अगर बहुत सारे गीत हैं तो गीता। तो भगवान ने जो वत कहे, वत माने होता है, वतती माने होता है, वदंती या वदती माने बोलता है या कहता है। तो भगवान ने जो वहाँ पे गीत दिए, जो वत किए या वदती किए, वो भगवत हुए और उनसे वो गीत बने। वो सारे सारे गीत टोटल उन लोगों के आसपास में अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए जो वो योग करते थे उसमें वो काम आते थे। इसलिए चारों तरफ वहाँ बहुत अच्छा वातावरण था। और विज्जा का, यानी कि जो ब्रिज जिसको हम वृंदावन बोलते हैं, यानी कि जहाँ चारों तरफ घेरा होता था, वहाँ वो लोग आते थे और वहाँ जाके सारी साधना और सारा योग किया करते थे, सारे तप किया करते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो नाम हैं वो योगी है, योगिता है, या योगेंद्र है, योगेश है, योगीराज है, योगराज है, ये नाम है। और योग को जोग भी बोला बाद में, क्योंकि यहाँ की भाषा में जय ज़्यादा चलता है। जैसे जे काम कर ले, जे का कर रहा है, जामे तो ये हो जाएगा, जामे तो वो हो जाएगा, जाए तो ऐसा करो, जाकू तो ऐसा हो गया, तो जे शब्द बहुत चलता है। जो कि बहुत लोग इसको लगाते हैं, जय की जो की, तो जय शब्द यह की जगह चलता है। इसलिए योग को जोग भी बोलते हैं। तो नाम यहाँ पड़े जोगी, जोगना, जोगेंद्र, जोगेश, जोगराज, ये नाम और योग वाले दोनों सेम हैं। पाली में जय शब्द नहीं मिलता, योग मिलता है, मगर यहाँ की लोकल भाषा में यह का जय बना दिया, इसलिए यहाँ योग को जोग भी बोला जाता है। जैसे आपने गाना सुना होगा जोगी जी, आपने सुना होगा जो जोगी जी, तो ये जोगी जी वाले जितने गाने हैं ये सारे यहीं के लोक गीतों में चलने वाले गाने हैं। एक बात और है, उस क्षेत्र में पुरुषों की जो हेला वाला दिन होता है, जिस दिन होली होती है, उस दिन पिटाई भी होती है। ये डंडे से पिटाई होने का क्या कारण है और क्यों उनकी पिटाइयाँ औरतें करती हैं? क्योंकि भारत में औरतें अगर पिटाई करती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि महिला प्रधान देश रहा है, मगर एक खास दिन में करती हैं तो कोई घटना वहाँ निश्चित रही होगी। अगर साहित्य खंगालेंगे तो घटना का जिक्र आपको मिलेगा कि वो होली खेलने के बहाने उनकी डंडों से पिटाई क्यों कर रही हैं, ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया जो कि उनकी वहाँ पिटाई हर साल हो रही है। और जैसे उपोषत होता है, उपोषत चार बार होता है भारत के अंदर, और उपोषत एक अष्टमी को होता है, यानी अष्टमी को होता है, दो अष्टमी आती हैं, एक अमावस को होता है और एक पूर्णमासी को होता है। महीने में चार बार उपोषत होता है। उपोषत में वारित रहते हैं, यानी कि वारित नियमों का पालन करते हैं, जो व्रत रहने के नियम हैं। व्रत का मतलब है कि पांच चीज़ों से वारित रहेंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे। इसमें चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये असुरा मेर मज्जा से पमाद उठाना, यानी कि नशे और नशे के पदार्थों से अलग रहना है। इसके अलावा तीन नियम और भी होते हैं कि ऊंची सैया पर नहीं सोना है, और एक नियम आता है कि कोई अगर चंदन वंदन का लेप है या कोई तेल वगैरह का लेप है तो वो लेप नहीं लगाना है, कोई आभूषण नहीं पहनना है। ये इस तरह के आठ नियम होते हैं, इनको आठ वारित नियम बोलते हैं। आठ वारित नियम का पालन किया जाता है जब भी अष्टमी होती है।
वहाँ उस क्षेत्र के आसपास में आप जाएंगे तो आपको एक पाली खेरा गांव का नाम मिलेगा। पाली खेरा का मतलब है पाली थेरा, यानी कि वहाँ पाली चलती है, पाली सिखाई जाती है, और पाली थेरा पाली खेड़ा का नाम पाली खेरा पड़ा। एक वहाँ जाएंगे तो नीचे एक गाँव मिलेगा पंचारी नाम का। पंचारी का मतलब है पंचशील की चरिया, यानी जो पंचशील है उसकी चरिया, इसलिए उस गाँव का नाम पंचारी पड़ा। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक गांव का नाम है नांगला। नांगला का मतलब है जहां नाग लोग रह रहते हैं, और ये नांगला पंचारी और ये पाली खेड़ा ये सब इस बात के बहुत पुराने सबूत हैं कि यहां बहुत पहले पाली पढ़ाई जाती थी, यहां बहुत ज़्यादा जो थेरा लोग थे थेरी लोग थे वो रह जाते थे, और यहां पंचारी का मतलब है कि पंचशील की यहां चरिया चलती रहती थी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ये बताती हैं कि ये क्षेत्र कितना विशाल एजुकेशन का रहा, और मथुरा यूनिवर्सिटी पूरे नॉर्थ में सबसे ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी और सबसे अच्छी ज़्यादा यूनिवर्सिटी रही। धन्यवाद।